हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के पहले हमने जो है दांत की संरचना के बारे में पढ़ा था, मुख एवं मुख गुहा में क्या क्या संरचनाएं होती हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। दांत कैसे होते हैं, दांत के क्या कार्य हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद पाचन तंत्र में जो है हम आहार नाल का अध्ययन करेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र एक बड़े आहार नाल से होकर के गुजरता है, जिसकी लंबाई 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होती है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र में आहार नाल का पहला भाग आता है मुख एवं मुख गुहा। तो यहाँ देखेंगे मुख एवं मुख गुहा है। यहाँ से जब हम भोजन करते हैं तो यह जो है हमारे मुख गुहा में आती है। मुख गुहा में भोजन दांत से चबाते हैं, जीवा ठेल करके जो है हमारे मुख में अंदर की ओर आगे प्रवेश कराती है, जिसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती है और लार जो है उस भोजन में मिलता जाता है और भोजन निगलने में सहायता होता है। भोजन जब हम लार मिल जाता है तो लार से सने हुए भोजन को जो है जीवा पीछे की ओर ढकेलती है और भोजन जो है हमारे ग्रसनी में आ जाता है। यह ग्रसनी की संरचना है, यहाँ पर लिखे हैं इसकी लंबाई जो है 12 से 14 मीटर तक होती है। ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है और सना हुआ लार जो है भोजन से लार से सना हुआ भोजन जो है सहजता हुआ ग्रसनी में आता है और ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और वहां से भोजन सरकता हुआ यानी ग्रसनी से भोजन सरकता हुआ ग्रास नली में आता है। ग्रास नली की लंबाई जो है 23 से जो है 27 मीटर तक होती है। तो ग्रास नली से ऊपर हमारी ग्रसनी होती है। ग्रसनी में 2 मार्ग होते हैं, एक श्वास मार्ग एक भोजन मार्ग। तो भोजन नली और श्वास नली ग्रसनी में एक ही साथ होते हैं। यहाँ पर जो है एक जो है उपास द्वारा दोनों अलग होते हैं। जब भोजन करते हैं तो उस समय हम सांस नहीं ले पाते हैं और जब सांस लेते हैं तो भोजन भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी भोजन करते समय जब सांस ले लेते हैं तो भोजन हमारे जो है फंस जाते हैं और तेजी से जो है खांसी आती है या छींक आता और भोजन के कण बाहर आ जाते हैं। इस तरह से देखेंगे मुख गुहा से भोजन धीरे धीरे सरक करके ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में और ग्रास नली से जो है भोजन सरकता हुआ जो है पाचन तंत्र का जो सबसे प्रमुख भाग होता है जिसे अमाशय कहते हैं। भोजन अमाशय में चला आता है और अमाशय की जो है लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर तक होती है और अमाशय में गैस्ट्रिक जूस जो है सना होता है और इसमें जो है उस का जूस का जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो इसमें सना होता है इसमें जो है उसका पीएच जो है 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है और इसमें भोजन की लुगदी होना शुरू हो जाती है। अमाशय की दीवार पर जो है आपका एक पतला सा श्लेष्म आवरण होता है। श्लेष्म जो है जब भोजन हम करते हैं, भोजन जब पीसा जाता है अमाशय में तो भोजन में जो है अमाशय रस जो है मिश्रित होता जाता है। अमाशय में जो HCl पाए जाते हैं तो भोजन को सड़ने से बचाते हैं और यह इसमें आए हुए जीवाणुओं को यह नष्ट कर देता है और इसके बाद से अमाशय से भोजन जो है आपका सरक करके सी के आकार के नली में आती है जिसका नाम है ग्रहणी यानी छोटी आंत का जो यह प्रमुख भाग है ग्रहणी। तो अमाशय की संरचना हमारा जो होती है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर J के आकार की होती है। तो यह पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है जिसकी हमने बताया लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ से भोजन जो है सरक करके छोटी आंत में जाता है और मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई जो है 6 से 7 मीटर तक होती है और छोटी आंत का जो पहला भाग होता है जिसका संरचना जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसकी संरचना जो है छोटी यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के सी के आकार की होती है जिसे ग्रहणी कहते हैं और इस ग्रहणी में हमारे जो है 2 प्रकार की ग्रंथियां खुलती है। एक को कहते हैं यकृत। यकृत का वजन जो है
1500 ग्राम होता है, अर्थात लगभग 1.5 किलो होता है। यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है और वहां से पित्त जो है निकलता हुआ, श्रावित होता हुआ जो है हमारे एक और नली होती है अग्नाशय कहनी, यकृत के पास, जिसे पित्ताशय कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है और वह पित्त जो है पित्ताशय में आकर के मिश्रित होता है, यानी एकत्रित होता है। और पित्ताशय से पित्त जो है हमारे सी के आकार की नली जो है ग्रहणी होती है, इसमें आकर के मिल जाता है और यह पित्त भोजन में सन जाता है और भोजन के वसा का इमल्सीकरण करता है। फिर इसी सी के आकार में एक अगली ग्रंथ दिखाई देती है, यहाँ पर जिसे पंक्रियाटिक ग्लैंड या अग्नाशय कहते हैं और इसकी लंबाई जो होती है 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। तो अग्नाशय हमारे शरीर का एक प्रमुख आहार नल का जो एक प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख भाग है। अग्नाशय का जब हम सेक्शन काटते हैं तो इसमें तीन प्रकार के जो है सेल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले जब हम अग्नाशय के अंदर की ओर जाते हैं तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं दिखाई देती है और लैंगरहैंस की दीपिकाओं को देखते हैं तो उसमें तीन प्रकार के सेल्स बनते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तीन प्रकार के सेल्स और एक और बनता है पीपी सेल। तो चार प्रकार के सेल हो गए, अल्फा, बीटा और डेल्टा, कहीं कहीं गामा भी कहते हैं, उसके बाद से पीपी सेल्स आता है। तो अल्फा सेल्स जो होता है गुलकेगान हार्मोन्स का स्रावित करता है, जबकि बीटा सेल्स इंसुलिन का श्रावण करता है। यदि मनुष्य में यह बीटा सेल्स इंसुलिन का श्रावण करना बंद कर दे तो हमारे जो है रक्त में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति जो है डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, जिसे मधुमेह नामक रोग कहते हैं। डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहते हैं या आमतौर पर इसे जो है शुगर पेशेंट कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि बीटा सेल का हमारे शरीर में बड़ा ही महत्व है। बीटा सेल ही जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स में पाई जाती है और उसी को जो है हम उसकी के द्वारा जो है आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस तरह से यह भोजन सरकता हुआ छोटी आंत में आगे की ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे चला जाता है। भोजन का पाचन जो है आपका छोटी आंत में होता है और इस छोटी आंत में अमाशय में कुछ मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इसे मुख गुहा में लार होता है, लार में एक टाइलिन एंजाइम पाई जाती है और वह भोजन का पाचन करना शुरू कर देती है। टाइलिन एंजाइम जो है आपके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदल देता है। मुख गुहा से आपका अमाशय में चला आता है, उस भोजन का भाग अमाशय में पाचन होता है, उसकी शेष भाग छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत में रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और कोएंजाइम जैसे एंजाइम्स इसमें स्रावित होते हैं और भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। अब भोजन जो है सरलतम अणुओं में टूट जाता है और छोटी आंत में अंगुली सदृश संरचनाएं पाई जाती है, जिसे रसांकुर या भिलाई कहते हैं। उस भिलाई के माध्यम से पचे हुए भोज पदार्थों का अवशोषण हो जाता है और रक्त में आत्मसात हो जाता है और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। वहां से जो है भोजन सरकते हुए एक कुंडलित और संरचना होती है, छोटी आंत की तो कुंडलित संरचना होती है, उसके बाद से एक और संरचना पाई जाती है। तो भोजन जो है बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत और छोटी आंत जहां जुड़े होते हैं उसे सीकम या अंध नाल कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ा होता है उसे सीकम या अंध नाल कहते हैं। तो बड़ी आंत की लंबाई जो है हमारी होती है 1.5 मीटर लंबी होती है तथा 4.7 सेंटीमीटर यह चौड़ी होती है। इसके भी तीन भाग होते हैं। तो जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिला होता है उसे अंध नाल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधा मोड़ होता है और यहाँ पर एक पतली सी नली जुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे कृमि रूप प्रशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी भोजन के कण इसमें फंस जाते हैं और यह जो है भोजन इस अंधनाल में, इस अपेंडिक्स में, कृमि रूप प्रशेषिका में सड़ने लगता है और इसमें सूजन आ जाता है और वह फूल जाता है और पेट में दर्द होती है और वोमिटिंग होने लगता है। इसके बाद से जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर जो है इसे काट करके निकाल देता है, या एक सूक्ष्म ऑपरेशन है और इस तरह से कृमि रूप प्रशेषिका को काट कर निकाल दी जाती है और व्यक्ति जो है
इस रोग से मुक्ति पा लेता है। तो बड़ी यात में जब पचा हुआ भोजन चला जाता है तो भोजन को जो है भोजन से जल को अवशोषित करके जो है मूत्राशय में भेज दिया जाता है तथा ठोस को मलाशय में भेज दिया जाता है। तो यहाँ से भोजन मलाशय में आ जाता है और मलाशय में आने के बाद जो है गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है अपच पदार्थ के रूप में। इस तरह से जो है एक भोजन जो है एक बड़े नाल से होकर के गुजरता है।